नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। बकायदा उनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से उनके देश आने का न्योता दिया गया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया। और फिर जो शानदार आवभगत अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उससे पूरी दुनिया में हैरत है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसे अमेरिका और भारत की यूं नजदीकियां देख हैरत नहीं हो रही बल्कि गुस्सा आ रहा है, और वो मुल्क कोई और नहीं पाकिस्तान है, जो भारत और अमेरिका की करीबियों से दोनों देशों के संबंधों में आ रही मजबूती से बौखला गया है। पाकिस्तान धमकी दे रहा है अमेरिका को, दुनिया की सुपर पावर्स में से एक अमेरिका को पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। दरअसल पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में 21 से 24 जून की पीएम मोदी की यात्रा के दौरान बहुत से समझौते हुए। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की डील्स हुई है। जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत लड़ाकू जेट इंजन भारत में बनाएगी। वहीं अमेरिका वॉर मोड ड्रोन उत्पादन के लिए भारत में एक सुविधा स्थापित करने पर भी सहमत हुआ है। कुछ इसी तरह के समझौते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो गई है। गुरुवार को पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है, पाकिस्तान की वैध चिंताओं को ध्यान में रखे बिना भारत को उन्नत सैन्य मिलिट्री हार्डवेयर देना दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और पारंपरिक संतुलन कमजोर कर देगा। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से ये भी कहा है कि भारत उन्नत तकनीक हासिल कर उत्साहित हो जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को खतरे में डाल देगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है, भारत और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के हितों को कमजोर करने वाला कोई समझौता हो, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। मतलब ये पाकिस्तान को भारत और अमेरिका का करीब आना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, इसलिए वो गीदड़ भभकी पर उतर आया है। और वैसे भी ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया हो। इससे पहले 22 जून को जब पीएम मोदी अमेरिका में ही थे, तब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक संयुक्त बयान जारी कर आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार किया था। संयुक्त बयान में पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस पर भी पाकिस्तान तिलमिला गया था और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और एक तरफा करार दिया था। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए। ऐसे बयान को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आधारहीन और राजनीति से प्रेरित नैरेटिव के प्रोत्साहन के रूप में देखा जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में तो ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग सही ढंग से प्रगति कर रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों के लिए विश्वास और समझ पर आधारित वातावरण होना जरूरी है। इतना सब कहने के बाद अब पाकिस्तान को अमेरिका और भारत के संबंधों से नई तरह की परेशानी हो गई है। अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई ऐसा समझौता ना हो जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। अब पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए तो अमेरिका और भारत साथ साथ है ही। ऐसे में अगर पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है, अगर पाकिस्तान आतंकियों को अपने मुल्क में पालता पोसता है, तो फिर तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितनी ही गीदड़ भभकियां दे ले, लेकिन पाकिस्तान पर तो असर पड़ेगा ही। और पाकिस्तान अगर आतंक के रास्ते को छोड़ देता है तो जो भी डील हो रही है वो भारत और अमेरिका के बीच में हो रही है, भला उससे पाकिस्तान का क्या ही लेना देना। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान शांति का दुश्मन है और भारत और अमेरिका शांति स्थापित करने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अलग अलग डील्स कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो पाकिस्तान को प्रभावित करेगा ही करेगा। वैसे ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत पर नजरें गड़ाकर धमकाया है, जिस तरह से अमेरिका और भारत की साझा डील पर गुस्सा निकाला है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।